आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन, पीपी चेयरमैन को पीएम हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। नैयर बताइए, मजीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल कनीज़ फातिमा, हमारे ज़राए को ये बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फोन करके मुलाकात की दावत दी है और उनसे कहा है कि वो ईद के बाद मुलाकात के लिए आए। ईद के मुबारकबाद भी पेश की। आपको ये बताऊं कनीज़ के इससे पहले जो है वो कौमी असम्बली के इजलास से और बजट सेशन से जो है वो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था और वो उसमें शिरकत जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे थे और ये उनकी जानिब से एक रखा गया था, शर्त रखी गई थी कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते, उनके तहफ़ात दूर नहीं होते, फंड्स के मसाइल हल नहीं होते, जो मुआवजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ के साथ जो है वो नून लीग की जानिब से किया गया था, हुकूमत की जानिब से किया गया था, उसकी पासदारी नहीं होती, तब तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट इजलास का बायकॉट करेगी। लेकिन इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ कोशिशें भी की गई जो कि नाकाम साबित हुई और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई है। ठीक है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई है। नैयर आपको बहुत शुक्रिया। आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन, पीपी चेयरमैन को पीएम हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। नैयर बताइए, मजीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल कनीज़ फातिमा, हमारे ज़राए को ये बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फोन करके मुलाकात की दावत दी है और उनसे कहा है कि वो ईद के बाद मुलाकात के लिए आए। ईद के मुबारकबाद भी पेश की। आपको ये बताऊं कनीज़ के इससे पहले जो है वो कौमी असम्बली के इजलास से और बजट सेशन से जो है वो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था और वो उसमें शिरकत जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे थे और ये उनकी जानिब से एक रखा गया था, शर्त रखी गई थी कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते, उनके तहफ़ात दूर नहीं होते, फंड्स के मसाइल हल नहीं होते, जो मुआवजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ के साथ जो है वो नून लीग की जानिब से किया गया था, हुकूमत की जानिब से किया गया था, उसकी पासदारी नहीं होती, तब तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट इजलास का बायकॉट करेगी। लेकिन इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ कोशिशें भी की गई जो कि नाकाम साबित हुई और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई है। ठीक है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई है। नैयर आपको बहुत शुक्रिया। आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन, पीपी चेयरमैन को पीएम हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी। नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। नैयर बताइए, मजीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल कनीज़ फातिमा, हमारे ज़राए को ये बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फोन करके मुलाकात की दावत दी है और उनसे कहा है कि वो ईद के बाद मुलाकात के लिए आए। ईद के मुबारकबाद भी पेश की। आपको ये बताऊं कनीज़ के इससे पहले जो है वो कौमी असम्बली के इजलास से और बजट सेशन से जो है वो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था और वो उसमें शिरकत जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे थे और ये उनकी जानिब से एक रखा गया था, शर्त रखी गई थी कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते, उनके तहफ़ात दूर नहीं होते, फंड्स के मसाइल हल नहीं होते, जो मुआवजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ के साथ जो है वो नून लीग की जानिब से किया गया था, हुकूमत की जानिब से किया गया था, उसकी पासदारी नहीं होती, तब तक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट इजलास का बायकॉट करेगी। लेकिन इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ कोशिशें भी की गई जो कि नाकाम साबित हुई और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई है। ठीक है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई है। नैयर आपको बहुत शुक्रिया।